मैग्नीशिया और हमारा हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये लास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका कितना परसेंटेज मिलाया जाता है ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कलाइज, एल्कलीज एल्कलीज इसी को बोल सकते हैं सोडा और पोटास, सोडा और पोटास ठीक है। इसको यदि मैं लिखूं तो CaO, SiO2, Al2O3, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सल्फर ट्राइऑक्साइड और पोटास की यदि मैं बात करता हूँ तो Na2O या इसको बोल सकते हैं K2। इनका परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाता है, इनका परसेंटेज जो होता है यदि मैं बात करता हूँ लाइम के परसेंटेज की, तो लाइम का जो परसेंटेज होता है वो होता है 62 to 67%। यदि मैं सिलिका की बात करता हूँ तो सिलिका हमारा जो पूछा होता है कितने परसेंट पाया जाता है सीमेंट में, 27 to 25%। यदि मैं एल्यूमिना की बात करता हूँ तो एल्यूमिना का परसेंटेज होता है 3 to 8% एल्यूमिना जो है हमारे सीमेंट में मिलाई जाती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के इंग्रेडिएंट है ये, याद रखना। उसके बाद यदि मैं कैल्शियम सल्फेट की यदि बात करता हूँ तो कैल्शियम सल्फेट जो पाया जाता है वो पाया जाता है 3 to 4%। आयरन ऑक्साइड जो होता है, आयरन ऑक्साइड भी सेम कंटेंट है इसका 3 to 4%। उसके बाद यदि मैं MgO की बात करूँ मतलब मैग्नीशिया की बात करूँ तो मैग्नीशिया जो पाया जाता है ये अप्रोक्सीमेट 0.1 to 4% पाया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की यदि मैं बात करता हूँ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ये एग्जाम में पूछा गया था 1 to 3% अप्रोक्सीमेट होता है हमारी सीमेंट में। एल्कलाइज की यदि हम बात करते हैं तो एल्कलाइज हमारा होता है 0.2 to 1.3%। ये इंग्रेडिएंट है और इंग्रेडिएंट को याद करना बहुत जरूरी है। ऊपर के चार तो आपके उनको याद करने ही करने हैं। अब लास्ट ईयर में आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड पूछा गया था कि कितने अमाउंट में या कितने परसेंटेज में आपका सीमेंट में पाया जाता है, कितने इसका इंग्रेडिएंट कितना होता है ना, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आपका सिलिका का क्या काम होता है हमारे सीमेंट में, लाइम का क्या काम होता है। यदि मैं बेसिक बात करूं तो सीमेंट से जस्ट पहले जो हम यूज करते थे लाइम ही यूज करते थे, मतलब लाइम में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होती होगी, तो हम जो लाइम का यूज करेंगे वो स्ट्रेंथ के पर्पस से यूज करेंगे। तो यदि हम इसका फंक्शन यदि देखें तो हमको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। यदि आपको जो मैंने पढ़ाया यदि समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। यदि कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन पर डलवा दूंगा। ओके, थैंक यू।